हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। वनी प्लांट गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए मैं कड़ी पत्ता का प्लांट लेकर आई हूँ, जो कि मैंने इसको नर्सरी से ला के लगाया हुआ था। इसको लगाए हुए मुझे लगभग 3 महीने हो गए हैं और देखिए कितनी अच्छे से चल रहा हेल्दी प्लांट है मेरा। और फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर नर्सरी से ला के प्लांट लगाने हैं कड़ी पत्ते के या कोई भी, तो ये ज़रूर ध्यान रखें, आप कोई भी प्लांट लेकर आएँ तो छोटा ही लेकर आएँ, क्योंकि छोटा प्लांट लाएंगे तो वो अच्छे से ग्रो करेगा और हेल्दी भी रहेगा। अगर बड़ा प्लांट लेकर आते हैं तो स्टार्टिंग में तो सही रहता है, लेकिन बाद में वो सूखने लगता है या ख़राब हो जाते हैं। तो आप कभी भी कोई प्लांट लेकर आएँ तो छोटा ही लेकर आएँ। और फ्रेंड्स, कड़ी पत्ते की मैं बात करूँ तो ये कटिंग से और बीज से दोनों से ग्रो होते हैं। और अभी तो फिलहाल देखिए मेरा अच्छे से चल रहा, मैंने तो नर्सरी से ला के लगाया हुआ है। अभी ये नहीं पता इसे किस तरीके से, मेरे ख्याल से इसको बीज से ग्रो किया गया है, क्योंकि कटिंग वाले जो होते हैं थोड़ा अलग ही दिखते हैं। और फ्रेंड्स, इसको लगाने के लिए आप बेलड्रेन मिट्टी लें। बेलड्रेन मिट्टी की बात करूँ तो मैंने आपको हर वीडियो में बताई हुई है, आप बेलड्रेन मिट्टी बनाने के लिए एक हिस्सा रेत लेना है, एक हिस्सा कंपोस्ट और एक हिस्सा गार्डन सोयल, और आप चाहें तो उसमें गोबर की खाद भी ऐड कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि जो जितने भी सारे प्लांट्स होते हैं उनको गोबर की खाद बहुत ही पसंद होती है। आप कोई फर्टिलाइज़र दो या ना दो, लेकिन अगर गोबर की आप खाद दे रहे हो तो पौधे के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और देखिए इसके लिए थोड़ा से नीम के जो पत्ते आते हैं उनके तरीके होते हैं, इन पौधों को मीठा नीम भी बोला जाता है, और हम लोग यहाँ इन पत्तों को खाने में यूज़ करते हैं तड़के में। और जो कि ये जो कड़ी पत्ता होता है सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपकी स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत से बेनिफिट्स हैं इसके। अगर आप किसी तरीके से यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लाके लगा सकते हैं, क्योंकि हर घर में करी लीव्स होना ज़रूरी है और हर तरीके से फ़ायदे होते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन पाए जाते हैं, जो कि सबके लिए ज़रूरी होता है। अगर आप खाने में इसको ऐड करके खाते हैं तो और ही अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आप लगाने के लिए नर्सरी से ला सकते। और फ्रेंड्स, अगर इनको गमले में लगाने हैं तो गमला थोड़ा बड़ा ही लीजिएगा, क्योंकि ये पौधे बहुत बड़े होते हैं। और अगर ग्राउंड पे लगते हैं ये प्लांट्स तो बहुत ही बड़े होते हैं, ये पेड़ का रूप ले लेते हैं, पेड़ जैसे हो जाते हैं, और उनमें इस समय फ्लावरिंग भी होने लगती है और बीज भी आने लगते हैं, बीज बनने लगते हैं। और पत्तियों के साथ में इसके बीज के भी बहुत से फ़ायदे हैं। तो अभी तो ये फिलहाल मेरा छोटा सा प्लांट है, तो इसमें अभी फ्लावरिंग और बीज नहीं आएंगे, क्योंकि जो पुराने प्लांट होते हैं और ज़मीन में लगे होते हैं, बड़े होते हैं, उन्हें में उसी में मतलब फ्लावरिंग और सीड्स आते हैं। तो अभी तो मेरा छोटा है, इसमें नहीं आने वाले हैं। और आप देख ही सकते हैं मेरा कितना हेल्दी प्लांट है, मैं इसकी केयर बहुत करती हूँ। और फ्रेंड्स, कुछ मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि उनके पौधे सूख रहे हैं और उसमें पत्तियाँ नहीं आ रही हैं। तो जब विंटर होता है, विंटर के बाद में बसंत आते हैं, तो पुरानी पत्तियाँ झड़ने लगती हैं और नए पत्ते आने लगते हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। और फ्रेंड्स, अगर आप पॉट में लगाते हो तो समय समय से उसकी प्रूमिंग करते रहें। प्रूमिंग करने से ये होता है कि आपका पौधा घना भी होता है और स्वस्थ भी रहता है। और आप लोग अगर करी लीव्स यूज़ करते हैं तो इनकी पत्तियों को ऊपर के बजाय आप नीचे से ही तोड़ें, क्योंकि अगर नीचे से तोड़ेंगे तो ऊपर का पौधा आपका घना होता जाएगा। और अगर आप इनको और घना करना चाहते हैं तो ऊपर की जो न्यू ब्रांच आती है वहाँ से थोड़ा सा पिंच कर दोगे, तो आपके जहाँ से पिंच करेंगे वहाँ से नई ब्रांच आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप इस तरीके से अपने पौधे को घना कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो फर्टिलाइज़र आप इनको घर में कोई भी वेस्ट चीज़ें किचन से आपकी निकलती हैं तो आप इनमें दे सकते हैं, और नहीं तो आप कंपोस्ट या गोबर की खाद, मैंने आपको बोला ही, आप दे सकते हैं 15-20 दिन में इस तरीके से। और फ्रेंड, कुछ लोग बोलते हैं कि कड़ी पत्ता इंडोर प्लांट होता है, तो इंडोर प्लांट बिल्कुल भी नहीं होता। अगर हाँ, अंदर आप रखते हो कहीं पे तो आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे धूप आती हो, क्योंकि मैंने बताया कि इसको धूप की ज़रूरत होती है इन पौधों को,
तो आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे 7-8 घंटे की धूप आती है, या पार्शल धूप आती हो तब भी सही है, बट ये इंडोर प्लांट बिल्कुल भी नहीं है। आप इनको अगर लगाते हैं तो प्लीज़ ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पर धूप आती हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और फ्रेंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू।